आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, सिग्नेट रिंग अवस्था आरबीसी में पाई जाती है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए ये जो हमारा प्रश्न है वो सत्य और असत्य कथन के रूप में है। ये जो हमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हमें बताना है ये सत्य कथन है या असत्य। तो गाइस हम आपको बता दें, सबसे पहले जो सिग्नेट रिंग अवस्था है वो आरबीसी में पाई जाती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कैसा है? सत्य है। अब हम देख लेते हैं कि जो सिग्नेट रिंग होती है वो होता क्या है। जब मलेरिया होता है, क्या होता है गाइस? मलेरिया के टाइम पर जो इसका पैथोजन होता है कौन सा? प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से ये होता है। या हम ये कहें इसका कारक क्या है? इसका कारक होता है हमारा प्लाज्मोडियम। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। और इस प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो दो तरह से चलता है। इसका क्या? जीवन चक्र एक होता है आरबीसी के बाहर और दूसरा होता है क्या? आरबीसी के अंदर। एक को हम कहते हैं एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल और दूसरा एंडो इरिथ्रोसिटिक साइकिल। तो जो हमारा आरबीसी के पहला कौन सा होता है? आरबीसी के अंदर चलती है इसकी कुछ साइकिल, और दूसरी कहाँ चलती है? दूसरी चलती है आरबीसी के बाहर। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये कब कब होता है। देखिए आरबीसी के बाहर कब होगा? जब हमारा संक्रमण हुआ ही हुआ होगा। प्लाज्मोडियम जो भी हमारा वो कहाँ है? मच्छर की लार में पाया जाता है। और मनुष्य को जब मच्छर काटता है तो मच्छर की लार ग्रंथियों से होता हुआ वो मनुष्य में पहुंचता है। तो आरबीसी के बाहर कब होता है? संक्रमण के दौरान। कब होता है? संक्रमण के दौरान। जैसा कि तुरंत संक्रमण हुआ है, मॉस्किटो ने काटा हुआ है, तुरंत ये आरबीसी में नहीं पहुंचता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये क्या करता है? इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से चलती है? तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी आरबीसी के अंदर होती है, आरबीसी के अंदर साइकिल जो चलती है वो किस तरह से चलती है। इसके तीन स्टेप होते हैं गाइस। उन तीनों स्टेपों को हम कैसे बता देते हैं आपको? स्टेप्स जो याद रहेंगे इन्हें इस तरह से आप याद कर लीजिए, SAS, सास नाम से याद कर लीजिए। सास का मतलब है यहाँ पर सबसे पहले जो आएगी वो कौन सी आएगी? सिग्नेट रिंग बनेगी। देखिए ये जो स्टेजेस हैं ये क्या कर रहा है आरबीसी के अंदर? ये पैथोजन हमारा आ रहा है, कौन सा? प्लाज्मोडियम। बस इसके संक्रमण की कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि संक्रमण के दौरान ये क्या करता है? स्पोरोजॉइट के रूप में बॉडी में प्रवेश करता है। फिर क्या करेगा? अब ये आरबीसी के अंदर आ चुका है, संक्रमण फैल गया है, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, अंदर आने के बाद इसकी जो सबसे पहले अवस्था होगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी सिग्नेट रिंग, या इसी को हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग अवस्था। दूसरी होती है हमारी अमीबॉयड अवस्था या अमीबीय अवस्था, यहाँ पर अवस्था लिख लेते हैं अवस्था। और तीसरी होती है हमारी कौन सी? साइजोंट अवस्था। कौन सी होती है गाइस? साइजोंट अवस्था। तो ये मेनली तीन प्रकार की आरबीसी के अंदर साइकिल चलती है। किसकी चलती है? प्लाज्मोडियम की चलती है। तो हमारा ये कथन सत्य है, जिसे हमने क्या यहाँ पर प्रूफ करके आपको एक्सप्लेन करके बताया। तो ये था हमारा आज का प्रश्न, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।